महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अग्रणी संस्था है। कोविड काल में जरूरतमंदों को ग्रोसरी किट बांटी गई। समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित करके प्रोत्साहित किया गया। समाज के योग्य युवक युवतियों का परिचय कराकर परिणयबद्ध किया गया। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है विलास बांगरे, जो कि महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के आप अध्यक्ष हैं। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद बांगरे जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आपकी जो सामाजिक गतिविधि है संस्था की, किस तरह से गतिविधि है, किस तरह के कार्य हो रहे हैं, किस तरह से आप लोगों का सामाजिक ये गतिविधि चलती है, उस बारे में बताइए। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि क्या है, समाज बोलो तो समाज चलाने के लिए कैसा चलाना चाहिए, क्या चलाना चाहिए, ये लोगों तक के मालूम होना चाहिए। महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था जो है वो 2002 में स्थापित हुई थी। उसके संस्थापक अध्यक्ष जो पुरुषोत्तम जी कावले है, उनका एक उद्दिष्ट था समाज के सभी वर्ग को एक लाने में। उसने महाराष्ट्र सुनार समाज होता है वो 12.5 जाति में अलग अलग हुआ है, तो वो सबको एकत्र करने के लिए ये महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था निकली थी। उसके बाद में उन्होंने जो महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के जो उद्दिष्ट लेके, क्योंकि एक ही उद्दिष्ट नहीं होता ना, समाज को एकत्र करना, तब जो 2002 है था वो तब ऐसा था कि ये शाखा की लड़की वो शाखा को भी लोग नहीं मांगते थे, तो वो महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था ने ये पूरा किया। क्योंकि ऐसा होता है, अभी शाखा वाइज काम नहीं होता है, अभी एक सुनार की लड़की है, एक सुनार दूसरी शाखा में दे रहा, मगर अभी क्या हमारा अभी उद्दिष्ट ऐसा है कि अभी जो है शाखा एकत्र होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मावी स्वर्णकार, झाड़े स्वर्णकार, लाड़ स्वर्णकार, पांचर स्वर्णकार, ऐसे 12.5 जाति है। हर शाखे के लोग पॉलिटिकल इसमें पॉलिटिक वालों उनकी तरफ जाते हैं, नेताओं की तरफ, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम जाता है कि हम लोगों ने कौन सा सुना रहे के? तो हम लोगों ने अभी महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था ने एक नया उपक्रम चालू किया है, सब शाखाओं को एक करना। अभी सिर्फ सोनार करके करना है, अभी कोई शाखा नहीं रहेंगी, सोनार करके अपने को सामने जाना है, तभी अपने सोनार समाज का कुछ तो भी अच्छा गति होने, अच्छा काम होगा। क्या होता है अभी तक के देखने में आया कि राजनीति इसमें जब भी देखो तो हम लोग सभी पार्टियों को हेल्प करती, मगर शाखाओं के वो अलग अलग शाखा रहने के वजह से हम लोगों की उनको टिकट नहीं दी जाती है। अभी तक के भारतीय जनता पक्ष के तरफ से हमारा पूरा समाज, पूरा भारतीय जनता पक्ष की तरफ से झुका हुआ है, मगर वो क्यों नहीं देते हम लोगों का, अभी तक के 12.5 जाति में हम लोगों में उन्होंने अलग अलग कर दिया है। अभी इस साल हम लोग सोच रहे, सोचा नहीं, हम लोग अभी एक हो गए कि अभी हम लोग सोना रहे। अभी तिली कुनबी आपने भी देखा, उनमें भी 12.5 जाती है, मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं कि भाई हम लोग तिरे कुनबी है, एक बैली भी कुनबी है, दो बैली तिली है, ऐसा कभी उन्होंने कभी बोला नहीं, नहीं हम तेली है, हम कुनबी है, ऐसा ही हम लोगों ने अभी हम सोना रहे करके हम लोग कर रहे। और यही नारा लेके आने वाले कारपोरेशन के निवडणूक होंगी उसमें हम लोग हमारे समाज के लिए 4-5 सीट हम लोग मांगेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ कम से कम 3 लाख सोनार बांधव है नागपुर। जैसे कि विलास सर आपने बताया कि आपका जो महाराष्ट्र स्वर्ण का जो संस्था है, हाँ, अब एक केंद्रीकृत बॉडी बन गई है, बिल्कुल पूरे डिसीजन मेकिंग केंद्रीकृत बॉडी ले रही है, हाँ, तो आप ये बताइए कि समाज के भलाई के लिए, हाँ, आप बताइए जैसे नारी के उत्थान के लिए, सक्षमीकरण के लिए, हाँ, गुणवंत विद्यार्थी उनका सत्कार करने के लिए, ये किस तरह के सामाजिक गतिविधियां हो रही है उस बारे में बताइए। हम हर साल गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार बड़े पैमाने पे लेते हैं। अभी ये 20 तारीख को हुआ है, पिछले महीने अगस्त को, 20 अगस्त को राजवाड़ा पैलेस में 1000 लड़के थे, 450 लड़कों को तो हम लोगों ने प्राइज बांटे, जिन्होंने जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट जो है उनको
हर साल गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार करते आए। उसी प्रकार नारियों के लिए जो हमारे समाज के जो गरीब दस्ता है उनको भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ देने का सोचते हैं हर साल। कोरोना काल में तो हम लोगों ने कीट टक्के बांटी उनको, कई गरीब लोग होते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है जितना ऊपर भी है उतना नीचे का भी है, जो कारागिर वर्ग है वो बहुत नीचे है, वो बेचारा दबती जा रहा, तो उन लोगों को ऊपर लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार उनको कई जो शोरूम्स जो है उनको वहाँ हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई वो आप अभी कारागिरी नहीं चलती है, अभी क्या रेडीमेड का धंधा आ गया है, तो उनको भी कहाँ शिफ्ट करना। तो हमारे जो रोकड़े ज्वेलर्स है, लोने ज्वेलर्स है, उदयपुरी ज्वेलर्स है, मांगलकर ज्वेलर्स है, ऐसे जो बड़े ज्वेलर्स वाले जो हमारे भाई है और हमारे कार्यकर्मी में भी है, तो उनको वहाँ कभी ना उनको वहाँ शिफ्ट करते हैं हम लोग, कि जो एकदम नीडी है जो हमारे तक के आएगा उन्हीं को हम लोग करते हैं, नेचुरल है कि भाई जिनको नीड है वो आएंगे ना। उसी प्रकार हम लोग कौटुंबिक समस्या केंद्र चलाते हैं सर। क्या होता है समाज में बहुत सारे कौटुंबिक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, और ऐसा भी देखने में आया है कि 10-10 साल कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हुई, वो हम लोगों ने हमारे कौटुंबिक समस्या केंद्र में लाने के बाद में एक या दो सेट में सेटिंग में हम लोगों ने उनका सॉल्व कर दिए प्रॉब्लम। काउंसलिंग सेंटर है आपका? काउंसलिंग सेंटर, उसमें दो वकील है और अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष और हमारे सेक्रेटरी अनिल जी मालूकर, ये भी रहते हैं, ऐसे 3-4-5 लोगों की हमारी बॉडी है। और ये अंदर का जो काउंसलिंग होती है ये हम लोग बाहर कभी किसी को बताते नहीं, जब कभी लड़के वाले आते तो लड़के वालों को नहीं बताते, लड़के वाले नहीं आते तो लड़के वालों को नहीं बताते, यानी समाज में कहीं डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो आपके समाज के द्वारा वर वधु परिचय मेलावा भी होता है? हाँ। जो युवक युवती उनका विवाह भी होता है? यस। तो ये किस प्रकार की गतिविधि उस बारे में बताइए। अभी महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के संलग्न स्वर्णकार वर वधु ये है समूह निकाला है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोगों उनसे परिचय पत्र लेते हैं, उनके फोटो लेते हैं, फिर वहाँ के वहाँ वो लोग जोड़ लेते हैं। यानी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आजकल एक स्वर्णकार वर वधु समूह हम लोगों ने निकाला है, तो माध्यम से हम लोग कर रहे हैं यहाँ। और अच्छा शादियाँ होती है, हर साल 40-50 शादियाँ तो हो जाती है वो माध्यम से। उसी प्रकार हमारा एक महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के संलग्न एक स्वर्ण अलंकार करके एक मासिक निकलता है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष है प्रकाश जी माथने, वो पिछले 25 साल से, अभी 25वां साल हमने किया उनका, यानी कंप्लीट किया स्वर्ण अलंकार का मासिक का, तो उसके माध्यम से भी काफी समाज के जो युवा युवती है उनको मार्गदर्शन मिलता है और लड़के के यानी शादियां भी जुड़ती है। जैसे कि आप स्वर्णकार समाज से जुड़े हो और मुख्य बिजनेस अपना ये है ज्वेलरीज का है आप लोगों का, ज्वेलर्स हो आप लोग, तो अभी जैसा हाल ही में जो हॉलमार्किंग तो अनिवार्य कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और जो पोर्टल में जो कठिनाइयां थी अपलोड की जहां तक वो भी समस्या खत्म हो गई, तो एक विश्वास बना है ग्राहकों उनके बीच में आपका, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा किया मोदी जी ने हॉलमार्किंग लाके, क्योंकि क्या है समाज में पहले जो चलता था 10% लोगों की वजह से 90% लोगों जो सुना रहे वो बदनाम हो जाते थे, अभी नहीं होंगे। यानी अभी कैसा है पारदर्शकता जो है सोनार और अपना जो लेने वाला जो वर्ग है यानी ग्राहक, वो पारदर्शकता आ गई उसमें कि भाई ये अंगूठी लिया उसमें 98 टंच यानी 98 टंच ही मिलेंगी, यानी पारदर्शकता आने से अभी व्यापारी भी खुश है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि व्यापारियों ग्राहकों का नुकसान हुए, कोई व्यापारी नहीं जाएगा, और व्यापारी हॉलमार्किंग आने से बहुत खुश है, क्योंकि क्या है वो किसके ऊपर डिपेंड है ग्राहक के ऊपर। तो दर्शकों ये थे विलास बांगरे जी जो कि अध्यक्ष है, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ चर्चा की और समाज के हर गतिविधियों के बारे में बताया, इवन जो हॉलमार्किंग का जो अभी चल रहा है ट्रेंड उसके बारे में भी, काफ़ी ग्राहक खुश है, व्यवसायी भी खुश है
और आगे आने वाले जो कुछ भी अपडेट्स है आपसे हम लेते रहेंगे, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।